हे गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्ट्राइजर्स। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिक्स देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक्स देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे हम लोग को क्वेश्चन गिवेन है, लिमिट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे लिमिट 0 to 1 में एक्स टू द पावर एम 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन डी एक्स। मान लीजिए हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन गिवेन हो, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम बहुत इजिली एक ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या ट्रिक यूज़ करते हैं? तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एम फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस एन प्लस वन का होल फैक्टोरियल। यानी इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग को कोई इंटीग्रेट नहीं करने का जरूरत है, कोई लेट करने का जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कीजिए और निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेट 0 to 1 एक्स टू द पावर 7 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 10 डी एक्स। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग जैसे ये एग्जाम्पल में देखे थे। तो चलिए इसको देखिए, पहले एम फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 प्लस 10 प्लस 1 होल फैक्टोरियल। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितना इजिली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1 1 माइनस एक्स का होल क्यूब डी एक्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ पैटर्न बनेगा नहीं, बस वैल्यू चेंज होगा, इसमें जो पावर्स का है वो चेंज होगा। तो इसमें लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसी ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू।